नमस्कार दोस्तों, मैं विजय मिश्रा आप लोगों के समक्ष आपका अपना YouTube चैनल एम स्टडी पर स्वागत करता हूं और सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं जो ऑलरेडी दोस्तों शुरू आप लाइव जो देख रहे हैं उसके कारण। दोस्तों मैंने जो पिछली क्लास छोड़ी थी वो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत अपन ने चर्चा की थी कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। आज जो अपन देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को मैं ब्रीफिंग कर रहा हूं, दोस्तों जो भी नए स्टूडेंट आए हैं वो थोड़ा सा अपना गौर फरमाइए दोस्तों कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन करने के बाद, यानी कि उसका ताप, दाब, रंग, रूप, आकार, इन सब में परिवर्तन हो जाता है। और जब वापस इन सब को हटाते हैं, भौतिक अवस्था को हटाने के बाद वह पदार्थ वापस उसी अवस्था में आ जाता है तो दोस्तों वही कहलाता है भौतिक परिवर्तन, जिसे कहते हैं। जैसे दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, अगर पानी को दोस्तों अपन जमाते हैं तो किसमें बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। बर्फ वापिस दोस्तों किसमें बदल जाती है, पानी में बदल जाता है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये क्लियर करके चलना, यही से क्वेश्चन से एग्जाम में प्यारे मित्रों पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन होगा। तो आप सभी बिल्कुल जो भी लाइव देख रहे हैं सभी को मेरा तहे दिल से हार्दिक स्वागत है और आप दोस्तों बने रहें, जितना हो सके उतना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने पे भी ध्यान दें दोस्तों, क्योंकि आपको कंटेंट उसी हिसाब का मिल रहा है जिस हिसाब का आपका लेवल एग्जाम का होगा। बिल्कुल इससे बाहर कोई एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन नहीं जाएगा, जितना हो सकता है मेरी जितनी कोशिश है कि मैं आपका कोई भी क्वेश्चन को बाहर नहीं जाने दे रहा हूँ और इसमें से आपके 10 से 15 साल के पेपर को भी कवर मैं इसी के साथ कर रहा हूँ, कंटेंट में वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। आगे जब चर्चा करते हैं प्यारे मित्रों, तो रासायनिक परिवर्तन में अपन वो देख रहे हैं दोस्तों कि क्या होता है, एक पदार्थ की जब उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक गुणों में अगर परिवर्तन हो जाता है तो फिर वापस हम उसी पदार्थ को पुनः नहीं ला सकते, कोई नया ही पदार्थ अपन को देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे दोस्तों अपन माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो तिल्ली को वापिस हम नहीं बना सकते, वो जलती रहेगी, वो खराब हो जाएगी। जैसे दोस्तों अपन ले लेते हैं जो फल होता है, वो कच्चा फल अगर पक जाता है तो हम वापस उसे कच्चे फल में नहीं ला सकते। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया दोस्तों, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो मैं जानता हूं दोनों क्लियर हो गए आपको। भौतिक परिवर्तन में आपको ये याद रखना है कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जबकि दोस्तों रासायनिक परिवर्तन में आपको ये याद रखना है ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये एक ही दिशा में होती है। मैं जानता हूं यहां तक सभी दोस्तों को क्लियर समझ में आ गया होगा। जितने भी प्यारे स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं लाइक करते चलना दोस्तों, बिल्कुल। आगे देखते हैं दोस्तों कि अपन क्या चेक करते हैं, जो मैंने पिछला जो टॉपिक छोड़ा था पीएच वैल्यू के ऊपर छोड़ा था दोस्तों कि किसका पीएच वैल्यू कितना होता है, हम उस पर चर्चाएं कर रहे थे दोस्तों। जो क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे गए हैं 10 से 15 साल उस पर ही अपन चर्चा करेंगे, जो आपके कंटेंट आपका जो मिलेगा वो इसी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपके 10 से 15 साल के पेपर को भी कवर करते हुए चल रहा हूँ, जिससे आपके नोट्स प्रॉपर ढंग से बन सकते हैं और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल चाय के साथ आपके सामने, बिल्कुल चाय लेते रहे आप भी। अब दोस्तों आगे जब चर्चा करते हैं तो पूछा जाता है कि समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। समुद्र जल का दोस्तों जो पीएच मान होता है वो 8.4 होता है। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन जो मैं लिखा रहा हूं आपको, रक्त का पीएच मान आपसे पूछा जाएगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो प्यारे मित्रों 7.4 होता है। उसी प्रकार से लार का पीएच मान आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों 6.5 होता है। दूध का पीएच मान अगर पूछा जाता है तो कितना होगा दोस्तों, 6.4 होगा। यहां तक ऐसे देख 4 वाले और 5 वाले मैंने आपको क्लियर कराता चल रहा हूँ कि समुद्र जल का कितना होता है, रक्त का कितना होता है, लार का कितना होता है, दूध का कितना होता है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर देखते हैं तो यूरिन का पूछा है मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो प्यारे मित्रों वो होता है 6.0। मूत्र के बाद अगर दोस्तों फिर पूछा जाता है कि शराब का पीएच मान कितना होता है तो 2.8 होता है। शराब का पीएच मान 2.8। नींबू का पीएच मान आपसे पूछा जाता है कि नींबू जो रस होता है उसका पीएच मान प्यारे मित्रों कितना होता है, बताएंगे सभी दोस्त। बिल्कुल जितने भी जो भी लाइव देख रहे हैं प्यारे मित्रों आप बताएंगे कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, देखते हैं कौन बिल्कुल सही बताएगा। इतना मैंने बताया, आप बताएंगे 2 से 3 मैं क्वेश्चन से इसमें पूछूंगा वो आपको बताना होगा। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपका रहेगा कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट है जो बताएंगे बिल्कुल सही। आरिफ जी बिल्कुल, अश्विका जी वेलकम है आपका,
बिल्कुल राकेश जी वेलकम है आपका, विकास जी बिल्कुल वेलकम है, बिल्कुल आरएस चौधरी गुजर साहब बिल्कुल आपका वेलकम है हमारे एम स्टडी पर। तो दोस्तों बताएंगे यहाँ पे नींबू का पीएच मान, नींबू का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा। दोस्तों प्यारे मित्रों लाइक और शेयर भी करते जाना। नींबू का जो पीएच मान होता है वो दोस्तों होता है 2.2। उसी प्रकार से आपसे अगर पूछा जाता है प्यारे मित्रों कि दंत मंजन का पीएच मान कितना होता है, टूथपेस्ट जो होता है दोस्तों उसका पीएच मान आपसे पूछा जाता है। ये आरआर विजयन के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन था जो अभी फिलहाल लगी थी रेलवे जयन के एग्जाम, उसमें दोस्तों ये पूछा गया था कि दंत मंजन का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू कितना होगा। तो बताएंगे दोस्तों कितना होता है टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है वो कितना होगा दोस्तों। तो क्लियर करेंगे दोस्तों ये जो होता है 8 होता है। फिर आपसे पूछेगा कि अंडा जो होता है दोस्तों, एग जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 होता है। एग का अगर पूछता है तो 7.7 आपका आंसर आएगा। बिल्कुल खाने का सोडे का बताएंगे सभी मित्र जो भी लाइव देख रहे हैं वो बताएंगे कि खाने का सोडा का जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। खाने का सोडा देखते हैं कौन सही बताएगा। बिल्कुल नंदराम जी, एस के किरण कुमार बिल्कुल, तो देखते हैं धर्मेंद्र जी बिल्कुल, महेंद्र, सुरेश, नंदलाल बिल्कुल, सभी दोस्त, रेहान जी बिल्कुल वेलकम है दोस्तों आपका सबका। तो बताएंगे इसमें क्या आंसर आएगा कि खाने का जो सोडा होता है दोस्तों उसका पीएच वैल्यू आपको बताना होगा कि पीएच वैल्यू क्या होती है। बिल्कुल लाइक करते चलना सभी दोस्त जितने भी जो भी लाइव देख रहे हैं। तो बताएंगे दोस्तों कि खाने का जो सोडा होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। 8.5। और दोस्तों उसी प्रकार से अगर देखते हैं तो धोवन सोडा, जो धोने का जो सोडा होता है उसका पीएच मान कितना होता है। जल्दी आंसर दिया करो जो भी लाइव देख रहे हैं, सभी दोस्त आंसर देंगे फटाफट। जो लाइव देख रहे हैं बाद में वीडियो देखेंगे वो भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं जो आपको दोस्तों बिल्कुल एग्जाम में सीधा मिलेगा इनमें से। तो धोवन सोडा इसका पीएच वैल्यू कितना होता है दोस्तों, इसका पीएच वैल्यू होता है 9। इसका पीएच वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 9 होता है। उसी प्रकार से दोस्तों शरीर का जो पीएच परास होता है वो कितना होता है, मानव शरीर के पीएच परास ये दोस्तों आपसे पूछा जाता है, ये रेलवे जयन में भी पूछा गया था। बिल्कुल सभी दोस्त बताएंगे, एस के किरण जी, नंदलाल जी, सुरेश, महेंद्र, सभी दोस्त, रेहान, सभी दोस्त, आरिफ। देखो अगर लिस्ट ज्यादा बड़ी है दोस्तों, अगर किसी का नाम नहीं आता है तो बुरा मत मानना, कोई बात नहीं है दोस्तों, बारी बारी से जैसे जैसे आएगा सबका नाम लूंगा, लेकिन आप आंसर जरूर दिया करो जो भी लाइव देख रहे हैं। देखो आंसर देने में आपका कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अप होगा, हो सकता है वही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो तुरंत आपके टाइम की बचत हो पाएगी वहां पर। तो बताएंगे प्यारे मित्रों के शरीर के पीएच मान कितना होता है, वो जो रेंज जो होती है वो कितनी होती है आपका रहेगा। बिल्कुल सही है, 7 से लेकर दोस्तों 7.8 के बीच में रहता है, इसे क्लियर करके चलेंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में प्यारे मित्रों पूछा गया है। आगे जब चर्चा करते हैं एक और, वर्षा का जो जल होता है, वर्षा के जो जल होता है दोस्तों उसका पीएच मान अगर 5.6 से कम होता है तो अम्लीय रहता है, कम होने पर अम्लीय रहता है, यह आपको बताना होगा कि वर्षा का जो जल होता है, जो दोस्तों जो बारिश का जो पानी होता है उसका पीएच मान अगर 5.6 से अगर कम होगा तो ही दोस्तों क्या होता है, अम्लीय होता है। ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। रेलवे का तो इनसे बाहर कोई पीएच दोस्तों पूछेगा नहीं, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितनी मेरी कोशिश है दोस्तों मैं उतना आपको एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने दूंगा। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें, फिर उसके बाद अपन चर्चा करेंगे आगे। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सभी का सही है दोस्तों, क्लियर करते हुए चलेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे जब चर्चा करते हैं अपन कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये मैंने पीएच मान के ऊपर चर्चा की थी आपसे, अब किसमें दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है वो चर्चा करेंगे।
तो देखते हैं प्यारे मित्रों कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके बारे में अगर चर्चा करते हैं, तो आप क्वेश्चंस बनाते हुए लिखना, क्योंकि वही मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो आपके पूछे गए हैं। तो देखेंगे प्यारे मित्रों, जैसे मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों कि एसिटिक जो अम्ल होता है उसका वो किस किस में पाया जाता है और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। उपयोग भी आपको साथ साथ में याद रखना होगा, क्योंकि दोनों आपको अगर क्लियर होगा तो ही क्वेश्चंस क्लियर हो पाएगा। तो प्यारे मित्रों, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि एसिटिक जो अम्ल होता है उसका पहली तो बात फॉर्मूला भी याद रखना है। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, चिंता मत करो, आप तो लाइक करते जाओ और शेयर करते जाओ लिंक को। एसिटिक जो अम्ल होता है दोस्तों उसका फॉर्मूला पहले तो याद रखना है, पहले फॉर्मूला याद रखना है, फिर ये किस किस में पाया जाता है और इसका उपयोग कहाँ होता है, ये सब बातें आपको याद रख के चलनी पड़ेगी। बिल्कुल, धन्यवाद सभी दोस्तों का, नंदलाम, धर्मेंद्र, सुरेश, अनिल, आरिफ, आर्यन, सभी दोस्तों, जो अम्ल होता है इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होगा देखते हैं। बिल्कुल सही है आरिफ जी, बिल्कुल, आरएस गुजर साहब आपका भी बिल्कुल सही है, राकेश जी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों देखेंगे अपन कि एसिटिक जो अम्ल होता है उसका फॉर्मूला आपको याद रख के चलना होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। तो प्यारे मित्रों, इसका जो फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है, CH3COOH होता है, ये इसका फॉर्मूला होगा। और फॉर्मूला दोस्तों फिर अपन से ये पूछा जाता है कि किस किस में पाया जाता है, तो फिर ये आपको याद रखना होगा प्यारे मित्रों कि जो एसिटिक जो अम्ल होता है वह सोडा वाटर में नहीं अचार एवं दोस्तों क्या होता है, टमाटर की जो चटनी होती है उनके परिरक्षण के लिए किया जाता है। अचार हो गया, टमाटर की चटनी हो गई दोस्तों, इनके परिरक्षण के लिए किया जाता है, चटनी के परिरक्षण के लिए किया जाता है दोस्तों, यानी कि खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। एक बात तो ये हो गई दोस्तों। दूसरी जो बात है, एसिटिक अम्ल को किस नाम से जानते हैं, सिरका, सिरका के नाम से जानते हैं, ये भी आपको क्लियर करके चलना होगा। कभी कभी एग्जाम में ये दोस्तों पूछ लिया जाता है, तो आपको ये क्लियर करना होगा। आगे जब चर्चा करते हैं तो फिर आता है दोस्तों कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, और कार्बनिक जो अम्ल होगा प्यारे मित्रों वो होगा H2CO3, ये दोस्तों कार्बनिक अम्ल होता है। और इसमें अगर चर्चा करते हैं तो सोडा वाटर हो जाता है दोस्तों, और शीतल पेय पदार्थ हो जाता है, सोडा वाटर जो होता है उसमें पाया जाता है। और जो भी आप दोस्तों कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो लेते हो, यानी कि शीतल पेय जो होता है उसमें आपका पाया जाता है कौन सा अम्ल दोस्तों, कार्बनिक अम्ल। आगे जब चर्चा करते हैं तो फिर आता है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है प्यारे मित्रों H2SO4, या आप अच्छे तरीके से जानते हैं इसे दोस्तों रसायनों के राजा के नाम से भी जानते हैं, रसायनों के राजा के नाम से भी जानते हैं, किंग ऑफ केमिकल, यानी कि रसायनों के राजा के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। बिल्कुल, सब लाइक करते चल रहे दोस्तों, सबके मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, आप तो जितना हो सके उतना लाइक ठोकते चलना, बिल्कुल आग लगा देंगे, क्योंकि चैनल का नाम ही क्रांतिकारी चैनल है दोस्तों। बिल्कुल आपका साथ चाहिए मुझे बस। तो देखेंगे H2SO4, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, रसायनों के राजा के नाम से जाना जाता है, किंग ऑफ केमिकल के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। ये जो होता है किस किस में होता है H2SO4 जो होता है दोस्तों, सीसा संचायक जो बैटरी होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, सीसा संचायक जो सेल होता है उसमें भी दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है, और उर्वरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, उर्वरक जो खाद होता है उसमें भी दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के जो दोस्तों क्या होता है कि पेंट होता है, अपमार्जक होता है, सबसे जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वही मैं लिखा रहा हूँ, अपमार्जक के रूप में भी दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है, पेंट जो होती है दोस्तों उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, और दोस्तों विभिन्न प्रकार के रसायनों में भी इसका उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के जितने भी रसायन होते हैं दोस्तों, रसायनों में भी जो उर्वरक के रूप में होते हैं उन सभी में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो मैं जानता हूं ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे मित्रों, अगला जो होगा नाइट्रिक अम्ल होगा।
नाइट्रिक अम्ल का भी अपन चर्चा करते हैं कि नाइट्रिक अम्ल क्या होता है दोस्तों। नाइट्रिक अम्ल यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है HNO3, HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल दो इसका जो होता है प्लास्टिक हो जाता है, औषधियां बनाने में ही हो जाता है, और दोस्तों किसमें किया जाता है अम्ल राज बनाने में। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो आता है दोस्तों इसका क्या कि अम्ल राज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वह कौन सा अम्ल होता है दोस्तों। एक और होता है HClM, लेकिन इसे भी आपको याद रखना है कि इसे अम्ल राज बनाने में किया जाता है, और दोस्तों प्लास्टिक और औषधि बनाने में भी किया जाता है। प्लास्टिक और औषधि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो ये क्लियर करके चलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलता हूं मैं दोस्तों। देखेंगे आगे जब दोस्तों अपन चर्चा करते हैं इसके बारे में, तो फिर आता है फार्मिक अम्ल क्या होता है। फार्मिक अम्ल के बारे में चर्चा करते हैं, और फार्मिक जो अम्ल होता है इसका जो फॉर्मूला होता है HOOC होता है दोस्तों, HCOH, सॉरी HC यानी फार्मिक अम्ल की चर्चा करते हैं तो दोस्तों होता है HCOOH। ये आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी याद करके चलना दोस्तों, साथ में कभी भी पूछ सकता है। और ये चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू इनकी डंकों में पाया जाता है। चींटी हो जाता है, मधुमक्खी हो जाता है, बिच्छू हो जाता है, इनके दोस्तों किस में पाया जाता है, डंक में पाया जाता है, डंक में पाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो भी देखेंगे अपन, कि इसका जो उपयोग होता है फार्मिक अम्ल का वो फलों व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है दोस्तों, जीवाणुनाशक बनाने में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी किया जाता है दोस्तों। और किसमें किया जाता है दोस्तों कि जो भी नाशक जो दवाई होती है दोस्तों, यानी कि जीवाणु नाशक जो दवाई होती है उसमें बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जीवाणु नाशक में इसका उपयोग किया जाता है, और किसमें किया जाता है जीवाणु नाशक के अलावा। बिल्कुल लाइक करते चलना सभी दोस्त, जितने भी जो भी देख रहे हैं, रेहान, आनंदलाल, बिल्कुल मंजू बैरवा, SK किरण, बिल्कुल सभी जितने भी जो भी दोस्त देख रहे हैं सभी, रेहान भाई, बिल्कुल सुरेश, सब लाइक करते चलना दोस्तों, लाइक और शेयर करते हुए चलना। इसका जो उपयोग होता है वो चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है, चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है, तो क्लियर करके चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो आएगा, अगला जो अम्ल होता है दोस्तों वो होता है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल, और बेंजोइक जो अम्ल होता है दोस्तों उसका जो फॉर्मूला होता है C6H5COOH, C6H5COOH होता है। अब बेंजोइक जो अम्ल होता है ये किस किस में पाया जाता है। नंदलाल जी बिल्कुल सही है आपका, रेहान जी बिल्कुल सही दोस्तों। तो बेंजोइक जो अम्ल होता है दोस्तों औषधि के निर्माण, खाद्य पदार्थों के परिसंचरण में भी किया जाता है। तो अपन देखते हैं कि बेंजोइक जो अम्ल होता है दोस्तों खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी किया जाता है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। इसके अलावा जो दोस्तों उपयोग किया जाता है वो किया जाता है औषधि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, औषधि के निर्माण में भी दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। तो आपको क्लियर करके चलना है। नेक्स्ट जो देखते हैं अपन दोस्तों बेंजोइक अम्ल के अलावा जो आता है साइट्रिक अम्ल, और साइट्रिक अम्ल का जो दोस्तों फॉर्मूला होता है, साइट्रिक अम्ल का जो दोस्तों फॉर्मूला होता है वो होता है C6H8O7, C6H8O7 होता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अपन जानते हैं कि जो साइट्रिक जो अम्ल होता है दोस्तों वो किस किस में पाया जाता है, तो आपको ये याद रखना होगा कि संतरा, नींबू, संतरा हो जाता है दोस्तों, नींबू हो जाता है, संतरा हो गया, नींबू हो गया, आदि के जो खट्टे जितने भी फल होते हैं दोस्तों उसमें पाए जाते हैं। खट्टे फल जितने भी होते हैं
खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में ये दोस्तों पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सभी का, सब होशियार है, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता मत करो दोस्तों। लेकिन लाइक ठोकते जाओ और अपना जो एमएसटीडी परिवार है उसका दोस्तों प्रचार प्रसार और उस स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो किसी कारणवश दोस्तों क्या नहीं कर सकता, अपनी तैयारी नहीं कर सकता, वहां तक इसको पहुंचाने की आपकी दोस्तों एक जिम्मेदारी रहती है हेल्प करने की। तो दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना, वही कंटेंट दे रहा हूं जो दोस्तों एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, आगे आएगा दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। और ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है उसका कहां कहां पर किस किस में क्या क्या होता है दोस्तों वो देखेंगे अपन। जो ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है दोस्तों ये किस किस में पाया जाता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो टमाटर हो जाता है, पालक हो जाता है, चने की सब्जी आदि में पाया जाता है। पालक होता है, चने की सब्जी होती है, पालक हो जाता है दोस्तों, चने की सब्जी हो जाती है, और किस में पाया जाता है दोस्तों, टमाटर में पाया जाता है। यहां तक दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे या अपने नोट्स तैयार करते हुए चलो, बिल्कुल उतारिए, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल, आंवला व खट्टे फलों में। बिल्कुल देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो रहेगा अपना वो रहेगा प्यारे मित्रों एस्कॉर्बिक अम्ल। और एस्कॉर्बिक जो अम्ल होता है वो दोस्तों किस में पाया जाता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि एस्कॉर्बिक जो अम्ल होता है वो दोस्तों आंवला और खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवला व खट्टे फलों में पाया जाता है। प्यारे मित्रों आपको ये याद रखना है कि इसका जो विटामिन सी जो होती है उसका ये रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन जो सी होती है उसका रासायनिक अम्ल जो रासायनिक जो नाम होता है प्यारे मित्रों वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्लियर करके चलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में प्यारे मित्रों पूछने को मिलते हैं। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करके चलेंगे कि अम्ल में कौन कौन सा क्या क्या होता है। तो क्योंकि यही तो क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, मैं वही क्वेश्चन आपको दोस्तों करवा रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं मैलिक, मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल जो होता है दोस्तों किस में पाया जाता है, सेव में पाया जाता है। मैलिक अम्ल जिसमें पाया जाता है वो होता है दोस्तों सेव में पाया जाता है। उसके अलावा जो दोस्तों टार्ट्रिक जो अम्ल होता है, बिल्कुल सभी दोस्तों का सही है, बिल्कुल सुमन जी, बिल्कुल आरएस गुजर साहब, बिल्कुल सभी दोस्तों का सही है। तो दोस्तों बताते चले कि टार्ट्रिक जो अम्ल होता है वो किस किस में पाया जाता है। टार्ट्रिक जो अम्ल होता है दोस्तों इमली हो जाता है, अंगूर हो जाता है, कच्चे आम में पाया जाता है। इमली हो जाता है, अंगूर हो जाता है, और दोस्तों जो कच्चे आम जिसे कैरी बोलते हैं उसमें पाया जाता है। आगे जब दोस्तों चर्चा करते हैं तो फिर आता है आपका दोस्तों लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों। तो ये पाया जाता है दूध में पाया जाता है, दूध दही हो, खट्टा जो दूध होता है दोस्तों उसमें पाया जाता है, दही हो जाता है, और खट्टे दूध में पाया जाता है। खट्टे दूध में ये दोस्तों पाया जाता है। तो यहां तक नोट करेंगे सभी दोस्त जितने जो भी लाइव देख रहे हैं, और जो बाद में जो वीडियो देखेंगे दोस्तों क्लास देखेंगे उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये क्वेश्चंस है उनको आपको क्लियर करके चलना होगा। अब क्वेश्चंस के तौर पे मैं कुछ आपको प्रश्न कराऊंगा, आप उनको प्रॉपर ढंग से अपने तैयार करके चलेंगे दोस्तों। जैसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा दोस्तों, अच्छा इनमें क्वेश्चन से पहले मैं दो तीन और आपको करा देता हूं। जैसे दोस्तों ब्यूटायरिक जो अम्ल होता है, ब्यूटायरिक जो अम्ल होता है दोस्तों किस में पाया जाता है, ये मक्खन में पाया जाता है। ब्यूटायरिक जो अम्ल होता है ये किस में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है। इसके अलावा जो टार्ट्रिक अम्ल होता है वो मैंने आपको बताया, टार्ट्रिक जो अम्ल होता है दोस्तों ये सबसे बड़ी बात इमली में पाया जाता है।
उसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन होता है कि कोका कोला जो होता है, ये क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया अभी यहाँ से, कोका कोला जो होता है दोस्तों उसका जो स्वाद होता है वो किस अम्ल के कारण बना हुआ रहता है। कोका कोला जो होता है उसमें जो स्वाद बनता है प्यारे मित्रों वो किसके कारण बनता है, ये क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा गया है कि खट्टा जो होता है स्वाद वो किसके अम्ल के कारण होता है, आपको ये क्लियर करना होगा। कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक होती है प्यारे मित्रों का खट्टा जो स्वाद होता है वो किसके कारण होता है, खट्टा स्वाद किसके कारण होता है ये आपको क्लियर करना होगा। तो आपको ये बात दोस्तों बिल्कुल गांठ लगा के बांध लेनी है कि ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया रेलवे के अंदर कि कोका कोला जो होता है उसका स्वाद खट्टा जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो आपको ये याद रखना होगा। वह अम्ल जो होता है वो कौन सा अम्ल होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है। फास्फोरिक अम्ल के कारण ही प्यारे मित्रों जो कोका कोला जो होता है इसका जो खट्टा होना स्वाद जो होता है वो खट्टा किसकी वजह से, फास्फोरिक अम्ल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन घरों में जो सिरका होता है वो किससे बनता है, अगला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों उसे भी आपको क्लियर करके चलना होगा कि घरों में जो दोस्तों क्या होता है सिरका जो बनता है एसिटिक अम्ल जो होता है वो किस प्रकार से बनता है। तो आपको ये आंसर मैं वन लाइनर आंसर है दोस्तों, नोट्सों में तैयार करते हुए चलेंगे। घरों में सिरका यानी एसिटिक जो अम्ल होता है बनता है, कैसे बनता है तो आपको ये लिखना होगा स्टार्च के दोस्तों किण्वन विधि के द्वारा, स्टार्च के किण्वन विधि। केन से प्राप्त होता है दोस्तों, ये किससे प्राप्त होगा, लाइकेन से प्राप्त होगा, ये लाइकेन से प्राप्त होता है प्यारे मित्रों। अगला है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है, कि वो कौन कौन सी गैस होती है दोस्तों जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, तो देखते हैं कौन आंसर देगा इसमें दोस्तों। अम्लीय वर्षा किसके किस गैसों के कारण होती है, किस गैसों के कारण होती है बताएंगे सभी मित्र, जितने भी जो भी लाइव देख रहे हैं सभी बताएंगे दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर। बिल्कुल
शाबाश, बहुत अच्छे दोस्तों। तो बताएंगे क्या आएगा, इसका आंसर देंगे सभी। देखो आंसर सब दिया करो दोस्तों, क्योंकि यही तो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा दोस्तों, SO2 और NO2, ये दोनों आपके राइट आंसर है। इसे क्लियर करके चलेंगे, एक अंतिम नाबाद क्वेश्चन खेलेंगे दोस्तों। देखते हैं कौन कौन नाबाद खेलेगा और किसका विकेट गिरता है, कौन नाबाद खेलता है दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, आसुत जल में से विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता। आज का अंतिम क्वेश्चन, आसुत जल में विद्युत प्रवाह क्यों नहीं होता, यह आपको बताना है। देखते हैं कौन इस पे नाबाद गेम खेलेगा दोस्तों और किसका विकेट गिरता है। जल्दी जल्दी बताएंगे, बिल्कुल फटाफट आंसर देंगे दोस्तों, कि आसुत जो जल होता है, शुद्ध जो जल होता है, जिसका pH वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 7 होता है, इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता। बिल्कुल बताएं दोस्तों, होता क्या, अपन जानते हैं विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर, जिसमें आयन होता है। और हम जानते हैं कि जो आसुत जो जल होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आयन उपस्थित नहीं होता। तो अपन कह सकते हैं जल में ये जो जल होता है, आसुत जो जल होता है, आसुत जल में दोस्तों आयन उपस्थित नहीं होता, आयन उपस्थित नहीं होता। और दोस्तों जब आयन उपस्थित नहीं होता है, तो उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ये बात आपको क्लियर करके चलना होगा। तो सभी दोस्त जितने जो भी लाइव देख रहे हैं, एक बार लाइक करेंगे, और लाइक करने के बाद जितने भी जो भी नए स्टूडेंट आए हैं, उनका दोस्तों तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और इसी तरह से आपका प्यार हमारे साथ बना रहे दोस्तों। आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद।